वसल्लम इंसान के लिए रहमत बनकर आए, न तीर से न नेजे से और ना बड़ा तलवार से, न तीर से न नेजे से और ना बड़ा तलवार से, बाखुदा इस्लाम वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार से। इससे निकाला जिसने डगमगाए हुए इंसानों को, संभाला जिसने आदमियत को, नए तर्ज से ढाला जिसने आदमियत को, नए तर्ज से ढाला जिसने, कर दिया मशीन को मगरिब में उजाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं, नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुंबई अंजुमन इस्लामिया ने एक खास मुहिम का आगाज किया है। एक रबी अव्वल से 12 रबी अव्वल तक चलने वाली इस मुहिम में दूसरे मजहब के लोगों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें दावत दी जा रही है और साथ बैठाकर बताया जा रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, उनके फरमान क्या थे, उन्होंने किस तरह से दूसरे मजहबों के लिए कहां कब क्या कहा है। इसकी शुरुआत एक रबी अव्वल को हुई तो उसके बाद से लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एक प्रोग्राम मुंबई के इस्लाम जिमखाना में रखा गया। इसका उनवान ये था कि प्रॉफिट फॉर ऑल। इस मुहिम के पीछे मकसद ये है अंजुमन इस्लामिया का कि उसका ये मानना है और अल्लाह के रसूल के बारे में ये फरमाया भी गया है कि उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा था। मतलब ये कि तमाम इंसानों के लिए रहमत, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। इसी बात को तमाम दूसरे धर्मों के सामने रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब क्या है, उनकी तालीमात क्या है। हम आपको दिखा रहे हैं द लीडर हिंदी के रिपोर्टर अमजद अली खान की मुंबई से खास रिपोर्ट। प्रॉफिट फॉर ऑल की जो मुहिम है लगातार 12 दिन से जारी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम रखे जा रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम होते हैं, जहाँ जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है और नॉन मुस्लिम लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पर संवाद होता है कि प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद क्या है और प्रॉफिट जो आए थे वो किस लिए आए थे और उनका मैसेज क्या है। स्कूलों के अंदर भी, BMC स्कूलों के अंदर भी प्रोग्राम रखा गया। हमारे साथ BMC के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और प्रॉफिट फॉर ऑल की जो मुहिम चली थी इसको लेके किस तरीके आप सोचते हैं? आ रही हूँ मैं प्रशासकीय अधिकारी ई वार्ड का। सर, जो आज का कार्यक्रम हमको बुलाया गया उसमें बच्चों ने जो पेश किया प्रोग्राम, तो छोटे छोटे बच्चे जो पेश कर रहे थे सर्वधर्म संभव का, वो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिससे सब में एकता बनी रहे और सब सबके दिलों में प्यार बनते। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रोग्राम? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। प्रॉफिट फॉर ऑल एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये मैसेज ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप सल्लम की तालीमा जो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान के लिए है। तो यही एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आज यहाँ से गया और आज जो ऑडियंस थे इसमें मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी थे, बहुत बड़ा स्टाफ था और बहुत ज़्यादा लोग थे और मराठी में भी उन्होंने सुना, तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि सारे आलम इंसानियत के और हर इंसान के जो है वो नबी है। सर, आपका नाम बताइएगा और आप मतलब BMC अधिकारी है, प्रशासन अधिकारी भी है, किस तरीके से देखते हैं आज इस प्रोग्राम? मेरा नाम प्रसाद परडे है, मैं शिक्षक हूँ। सर, ये प्रॉफिट फॉर ऑल ने जो आज प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया था वो प्रोग्राम हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए, क्योंकि आज की जो परिस्थिति हम देखते हैं, आज के परिस्थिति में जो गलत फहमी दो कौम के बीच में जो फैल गई है उसके वजह से जो दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं उसका नुकसान हमें ही हो रहा है, क्योंकि हम ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है, सबसे पहले हम मानव हों। और अभी आज हमें पता चल गया, यहाँ पर आके पता चल गया कि नबी कौन है या पैगंबर जी कौन है, उन्होंने कौन सी बातें यहाँ पर उन्होंने कौन सी सीख दी थी, आज तक हमें नहीं पता था, आज इसलिए पता चल गया। प्रॉफिट फॉर ऑल और ऐसी जो प्रोग्राम्स हैं और अभी जो छोटे छोटे बच्चों ने जो यहाँ पे जो भाषण दिए, तो छोटे बच्चों में अगर ये सीख हम अभी से अगर डाल देते तो आगे वाला जो हमारा हिंदुस्तान रहेगा ना उसका नाम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, जो मन में जो द्वेष फैला ना वो बुरा होता है। सर, आप अपना नाम बताइए और कैसा लगा इस प्रोग्राम? जी सर, मैं आनंद कुमार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर प्रॉफिट फॉर ऑल प्रोग्राम ये हम हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, ये भारत के लिए है, ये हम भारतीय हैं तो हम सभी भारतीय एक साथ मिलजुल के रहें और यहाँ कोई भी मजहब धर्म ना हो, सब एक साथ रहें मिलजुल के, और हम रहते भी हैं, हमारे सर हैं आपा हैं, देखिए हम साथ में मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि BMC में हम हैं तो वहाँ पर मजहब नहीं होता है सर,
वहाँ हमें काम करना है, बच्चों के साथ करना है। और वो हमारे बच्चे जो हैं वो किसी मजहब से जुड़े नहीं, हमारे पास आते हैं, हम एक शिक्षक हैं, हमारे पास वो शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो हम उन्हें मजहब की शिक्षा नहीं देते हैं। और प्रॉफिट फॉर आल जो है वही हमें सिखाता है, कि जिस तरह से हमें भी बुलाया गया, हम नॉन मुस्लिम हैं, फिर भी उनसे हमें सीखने को मिला कि नहीं, यहाँ कौम नहीं है, यहाँ तो प्रेम है। यही हम चाहते हैं कि यही प्रेम की भावना हमारे देश में और पूरे जहाँ में अमलो चमन ऐसे ही स्थापित होता रहे। मैम आपको क्या लगता है, आप प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी मेहनत की हैं, बहुत सारे लोगों को जमा करने के लिए बहुत सारे दिन लगे इस मेहनत के लिए, इस प्रोग्राम के होने के बाद आप कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे MCGM में, मैं आपको ये बता दूँ, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हिंदी मीडियम में भी हमारे मोमेडियन बच्चे हैं, मराठी मीडियम में भी मोमेडियन बच्चे हैं, उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ऑल मीडियम में मोमेडियन बच्चे हैं। और ये प्रोग्राम जैसा कि प्रसाद ने कहा कि हर हफ्ते में एक होना चाहिए, तो ये मैं उसको फॉलो करती हूँ कि ये प्रोग्राम हफ्ते में, महीने में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द किए जाएँ जिससे हमारे बच्चों में कौमी यकजहती का जज्बा बढ़े और हमारे मोहसिन इंसानियत जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने हमें जो तालीमात दी है वो तालीमात हमारे बच्चों में आम हो, ताकि इसकी वजह से हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। हमारे साथ मौजूद है जो बच्चे ने फर्स्ट प्राइज लिया, उनके वालदेन भी मौजूद है यहाँ पर, उनका पूरा परिवार मौजूद है। कैसा लगा, बच्चे ने मराठी में स्पीच दी, पहला प्रोग्राम था और आप जीत के, कैसा लग, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या लगता है, बच्चे, बच्चा एक BMC स्कूल में पढ़ता है, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है बच्चे को पहला प्राइज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसकी मम्मी हैं, आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा मेरा बच्चा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है बच्चों को, बच्चे लोगों की पढ़ाई में ऐसी हौसला अफजाई, माँ बाप के गाइडलाइंस भी होने चाहिए इसके अंदर, और माँ बाप के हौसले से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं? हम बच्चे से ही बात करेंगे। बेटा तुम्हें मराठी मधुन सांगते है, तुम्हें मराठी मधुन स्पीच के लिए है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो, आज प्राइज जीते हो आप, आपको कैसा लग रहा है? आप अपने दिल के बयान करो, कैसा लग रहा है और माहौल कैसा लग रहा है और आगे आगे बढ़ क्या बनना चाहोगे आप? मैं आगे पे हाफिज बनना चाहूँगा। माशाल्लाह, और बताइए कैसा लग रहा है आज प्राइज जीत के आपको? बहुत बहुत अच्छा। ये देखिए, ये वालदेन के पेरेंट्स हैं जिनको वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, और वाकई में ऐसे प्रोग्राम जो है हमेशा होना चाहिए जिसके अंदर इंक्रीमेंट, लोगों की जो हौसला अफजाई है वो बढ़ती है और लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागती है कि कहीं ना कहीं कुछ बन सके, कुछ आगे चल के। ऐसे प्रोग्राम स्कूलों के अंदर भी लगातार ऐसे होना चाहिए और लोगों को प्रॉफिट फॉर ऑल का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट किस लिए आए थे और उनका असली मकसद ज़िंदगी का क्या था। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। Oh,